नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। व्यापम घोटाले पर उमा भारती बोली, शर्म और डर से जान दे रहे हैं लोग। व्यापम घोटाले में अपना नाम आने को केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गहरी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि लोग घोटाले के कारण शर्म और डर से जान दे रहे हैं, कोई उनकी हत्या नहीं कर रहा। उमा भारती ने कहा कि ये गहरी साजिश है। गहरी साजिश का बड़ा उदाहरण है इसमें मेरा नाम होना। मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर इसमें मेरा नाम है तो कुछ गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि मैंने जब व्यापम में अपना नाम सुना तो मैं भी सदमे में आ गई। अब तक घोटाले से जुड़े 47 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। नकली पोस्टल एजेंट से बना बाबा 10 साल बाद गिरफ्तार। पोस्टल एजेंट के रूप में फर्जी किसान विकास पत्र बेचकर लोगों को 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाने के बाद साधु बनकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 10 साल तक छकाने वाला बद्रीनाथ का स्वामी दुर्गेश महाराज आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गया। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने दुर्योधन मिश्रा उर्फ दुर्गेश महाराज को गिरफ्तार कर लिया है, जो बद्रीनाथ में साधु के वेश में रह रहा था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इस फर्जी बाबा ने कोलकाता में एक डाक सहायक तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कथित तौर पर 2.5 करोड़ रुपए मूल्य के 263 फर्जी किसान विकास पत्र जारी किए और इससे मिली राशि को तीनों ने आपस में बांट लिया। पाकिस्तान में हिंदू विवाह कानून को मंजूरी नहीं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को अपने विवाह का पंजीकरण कराने के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि सांसदों ने देश के प्रथम हिंदू विवाह कानून को अंतिम मंजूरी देने का फैसला 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की जनसंख्या 1.6% है। ये समुदाय 1947 में देश की स्थापना होने के बाद से एक विवाह कानून के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे किसी कानून के अभाव में पाकिस्तान में हिंदू विवाह को न तो कानूनी मान्यता मिल सकती है, न ही पंजीकरण हो सकता है।